गाइस यार आपने एक बल्ब तो देखा होगा गाइस जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है, जैसे कि हमारा गाइस ये बल्ब होता है एलईडी बल्ब, जैसे कि 7 वाट 8 वाट या फिर 9 वाट। तो गाइस आज उसको हटा के हम बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा बल्ब गाइस, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा है। एक उसकी लुक भी जो काफी ज्यादा गाइस स्मार्ट लग रही है और अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा हमारा बल्ब है। तो गाइस वो बल्ब है हमारा पूरे के पूरे 100 वाट का गाइस, काफी ज्यादा अच्छा बल्ब। हमने उसको किस तरह से बनाया और उसको हमने बनाने के लिए गाइस किस किस चीज का यूज किया है और उसको हमें बनाने के लिए कितना खर्चा आया है। तो गाइस इस वीडियो पे बने रहे, इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कर दें और प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बल्ब कैसे बनाए। तो गाइस आज हम बनाने वाले यहाँ पे काफी ज्यादा प्यारा आइटम। तो गाइस सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली यहाँ पे कुछ इस तरह के खराब बल्बों की। तो ये देखिए गाइस हमारे पास में हमें 5 खराब बल्बों को ले लेना है। तो गाइस इन खराब बल्बों के अंदर से हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे जो गाइस इनका ये ढक्कन है इस तरीके का, ये आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इन ढक्कनों को हमें ओपन कर लेना है। ढक्कनों के अंदर गाइस हमें जरूरत पड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ इन ढक्कनों की। तो फटाफट से गाइस इन ढक्कनों को जिस तरह से निकाल लेते हैं, तो ये देखिए गाइस फाइनली जो था हमने इन ढक्कनों को निकाल लिया और पूरे के पूरे हमारे पास गाइस ये 5 ढक्कन है, ठीक है। तो गाइस इन 5 ढक्कनों की मदद से हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा आइटम गाइस, जो कि लगाने के बाद आपके घर में 4 चांद लगा देगा। तो गाइस ये देखो हमारा जो बल्ब बनने वाला गाइस बहुत ज्यादा बड़ा बल्ब बनने वाला है और ये गाइस पूरा का पूरा 100 वाट का बनने वाला है और ये आपके घर में जो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस इन ढक्कनों को तो हमने निकाल लिया है, अब इनके साथ में हमें जरूरत पड़ने वाली कुछ और आइटम की। यहाँ पे हमने जो एक बल्ब छोड़ रखा था पहले से, तो गाइस इस बल्ब के साथ में हमें क्या करना है कि गाइस इस बल्ब की जरूरत पड़ने वाली हमें इस सिस्टम की और गाइस ये हमारे इस तरीके के कैप की जो कि गाइस हमारे होल्डर में लगेगी। तो गाइस इस बल्ब को खोलने के बाद गाइस हमें जरूरत पड़ने वाली यहाँ पे इसके अंदर जो गाइस इस एलईडी के अंदर जो हमारा आइटम लगा है जो कि हमारा एल्युमिनियम का गाइस उसकी जरूरत पड़ने वाली। तो फटाफट से हम सारे बल्बों के ये आइटम जो इसके अंदर गाइस हमारे एलईडी के अंदर जो है इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस फाइनली जो थे हमारे पूरे के पूरे हमने उसके अंदर की गाइस जिसमें ये एलईडी होती है हमने उनको निकाल लिया है। तो गाइस अब जो ये हमारी जो पुरानी एलईडी गाइस इनको हमें सबको निकाल देना है पेचकस की मदद से। तो फटाफट से इनको भी निकाल देते हैं फिर इनको छोड़ते हैं सादा सिंपल सा। तो ये देखिए गाइस फाइनली जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेसर। तो ये देखिए गाइस हमने ये जो एल्युमिनियम के ढक्कन थे गाइस इनमें से सारी हमने एलईडी को खोल लिया, आप देख सकते हो इनमें सारी की सारी हमें। तो गाइस अब इनमें लगाने के लिए जरूरत पड़ने वाली हमें कुछ इस तरह की एलईडी की, ये देखिए गाइस जो कि हमारे मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो गाइस हमें इसको भी 5 पीस ले लेना है, ये देखिए गाइस काफी ज्यादा आसानी से हमारी मार्केट में मिल जाएंगी और गाइस जिनकी कीमत 10 रुपए की ओनली। तो गाइस इनको लेने के बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है सबसे ऊपर इस तरह से हमें उन्हीं पेचों की मदद से गाइस लगा देना जो हमने खोले थे। तो गाइस चलो फटाफट से इनको कस लेते हैं फिर मिलते हैं इसके बाद। तो फाइनली ये देखिए कंप्लीट गाइस जो थी हमारी सारी एलईडी इस एल्युमिनियम शीट के अंदर कस चुकी है। तो गाइस अब हमें जरूरत पड़ने वाली इस तरह के 2 PVC पाइप की, देखिए गाइस जो कि हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। तो गाइस हमें करना क्या कि हमें पेन की मदद से गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से निशान लगा लेना जो कि गाइस हमने पहले यहाँ पे लगा के रख लिए हैं। तो गाइस यहाँ आपको भी लगा लेना बीच में क्योंकि हमने इसको पहले इसलिए लगाया कि हमारा जो वीडियो गाइस इतना ज्यादा लंबा ना हो। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ जो पीवीसी के निशान है गाइस इसको लगा लेना सारा। तो बाकी गाइस उसको इस मेरेट की मदद से हमें यहाँ से काट लेना है कुछ इस तरह से हाफ हाफ। तो फटाफट गाइस मैं आपको काट के दिखा देता हूँ उसके बाद। तो ये देखिए फाइनली गाइस जो है हमारे ये पाइप जो है कट के तैयार हो चुके हैं गाइस इस तरह की हमारी एक बिटिंग थी जो कि हमने लाइट की दुकान से ले ली थी। तो गाइस ये देखो हमने उसको फाइनली इसको काट लिया काफी ज्यादा अच्छे से, आप इसको और ज्यादा अच्छे से काट सकते हो क्योंकि गाइस हमने इसको इतने अच्छे से नहीं काटा ताकि हमारा जो वीडियो गाइस ज्यादा लंबा ना हो पाए। तो आप देख सकते हो गाइस कितने ज्यादा अच्छे से हमने इसको काटा है, आप फिर भी इसको आप जितने अच्छे से काटो गाइस ये उतने ज्यादा अच्छे से हमारा जो डिजाइन है बनेगा। तो गाइस हमें कुछ इस तरह से इसको चिपकाना है। तो फिलहाल तो गाइस इसको साइड से रख देते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा पुराना बल्ब। तो गाइस करना क्या कि इसको हमें खोल देना कुछ इस तरह से। तो गाइस इसको खोलने के बाद हमें सिर्फ जरूरत पड़ने वाली इस तरह के कैप की और इस डिफ्यूजर की। तो गाइस फटाफट से इन सामान को निकाल लेते हैं फिर आगे के प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली गाइस ये देखिए हमने अपने जो बल्ब को ओपन कर लिया, अब गाइस जरूरत पड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ इन 2 आइटमों की हमें। तो गाइस इस आइटम का तो कुछ नहीं करना तो इसलिए साइड को फेंक देते इसको। तो गाइस अब जरूरत पड़ने वाली हमें सेम इन आइटमों की। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है कि हमें इस आयरन की मदद से यानी कि गाइस शोल्डर आयरन की मदद से यहाँ पे इनकी जो लूप है गाइस इसको बहुत ज्यादा हीट करना और उसकी जो वायर है इसको निकाल देना यहाँ से। तो गाइस इसको निकालने के बाद हमारी जो लंबी लंबी वायर है गाइस उसको लगा लेना। तो फिलहाल तो उसको साइड से रख देते हैं अभी के लिए। बारी आती है हमारी इन वाले आइटमों की फिर से। तो गाइस अब करना क्या कि यहाँ पे हमें एक बार इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है और गाइस हमारे ये जो आइटम है जो कि हमारे एक एलईडी गाइस 20 वाट की है तो 20 गाइस पंजे आप समझ सकते हो 100 हो रहे हैं। तो गाइस हमारे ये 100 वाट की एलईडी बनने वाली है काफी ज्यादा अमेजिंग लगने वाली। तो गाइस यहाँ पे हमें एक बार फटाफट से इसको रख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देख गाइस हमारी जो एलईडी रख चुकी है तो इसको गाइस यहाँ पे हमें कसने के लिए हमें यहाँ पे तार लगाने के लिए गाइस यहाँ पे हमें इसको हॉल करना होगा। तो फटाफट से गाइस इसके जो हमारे निशान है गाइस उसको हॉल करने के लिए निशान लगा लेते हैं और फिर बनाते हैं उसके आगे का आइटम। तो ये देखिए गाइस हमने अपने कुछ इस तरह से 5 हॉल कर लिए हैं। ये देखिए गाइस आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो हमारे हॉल है कंप्लीट हो चुके हैं।
तो गाइस अब इन होलों में हम सबसे पहले वायर को डाल लेते हैं, उसके बाद इसको चिपकाएंगे, वरना गाइस हमारी जो वायर है बाद में नहीं पड़ने वाली है। तो फटाफट से गाइस इसको वायरिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए गाइस फाइनली हमने इसके अंदर तार को डाल लिया कुछ इस तरह से। ये देखिए गाइस हमारे ये चारों जो हैं ये LED के तार हो गए, यानी सॉरी यार पांचों। और गाइस ये जो बैक साइड में हमारी तार है ये तार हो गए हमारी मेन, जो कि हम लगाने वाले हैं गाइस होल्डर में। तो गाइस अभी तो ये हमारा ओपन है, चलो फटाफट से इसको हम यहाँ से इसको चिपका देते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि गाइस अब तो जो हमारा काम इसमें है नहीं, तो इसको एक बार गाइस चिपकाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली इस तरह की ग्लू गन की। ये देखिए गाइस हमारे पास में ये ग्लू गन है, आप चाहो तो इसकी जगह किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम गाइस चिपका देते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो ये देखिए गाइस हमने जो है ग्लू गन को कुछ इस तरह से इसमें लगा दिया, चलो फटाफट से जब तक ये सूखता है तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए कंप्लीट जो है हमारा सूख चुका है। चलो गाइस अब जो है हम इस तरह की इस LED को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं चार पांच जगह पे। तो फटाफट से गाइस इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारे जो उस टाइम सुराग थे गाइस काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, इसलिए हमारी जो वायर इसमें नहीं आ पा रही थी। तो गाइस हमने इस सुराग को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो गाइस अब इनको फटाफट से जो हमारी वायर है इनको यहाँ से काट देते हैं कुछ इस तरह से। ये बारी आती है इनको इसमें LED लगाने, तो गाइस फटाफट से जो अपनी LED को इस तरह से यहाँ पे डाल लेते हैं कम्प्लीटली। तो गाइस ये देखिए हमारी जो LED थी इसके अंदर फिक्स हो चुकी है। चलो इसकी वायरिंग करते हैं, यानी कि गाइस इसको आयरन शोल्डर की मदद से यहाँ पे इसको टाके लगा फिक्स करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली कुछ देर के बाद जो है हमारे टाके इसमें लग चुके हैं। ये देखिए गाइस हमने इसमें सारों में इस तरह के शोल्डर आयरन की मदद से टाकों को लगा लिया है। तो गाइस हमें जहाँ भी इसको फिक्स करना है एक बार इसको बोन फिक्स की मदद से इसको गाइस समझो एक बार फिक्स कर लेते हैं खूब अच्छे से। तो चलो इसको फटाफट से फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने काफ़ी देर इसको सुखाने के बाद में गाइस ये जो हमारी लाइटें हैं ये फिक्स हो चुकी है अपनी जगह पर। ये देखिए जो गाइस इसका हिलना है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बस अब बारी आती है इसके पीछे के साइड का काम करने की। तो गाइस ये जो वायर है हमें लगाना है इस होल्डर की मदद से इसके अंदर। तो गाइस ये जो अभी हमारी वायर है यानी कि गाइस ये जो हमारी शोल्डर है इसको गाइस हमें काफ़ी ज़्यादा हीट करना होगा शोल्डर आयरन की मदद से। तो इसको फटाफट से यहाँ से हीट करते हैं और इसको निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमें इसको निकालना है। तो ये देखिए हमने इसको काफ़ी देर गर्म करने के बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर की जो हमने वायरें थी वो निकाल दी और ये जो शोल्डर आयरन की मदद से पिघला है। यहाँ पे हमें अपने न्यू मॉडल के एक बल्ब को लेना होगा जो कि हमने वैसे बनाया एक न्यू मॉडल का। तो बस अब हमें क्या कि इस हांडी की जरूरत पड़ने वाली जो कि हमने ली थी। तो बस इस हांडी को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर गैस ये जो हमारी वायर है इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेना है ताकि अगर आपकी लॉन्ग वायर है तो। तो गैस ये लॉन्ग वायर कट करने के बाद, तो गैस ये जो लॉन्ग वायर थी हमें इसको कट करने के बाद इसके तार को निकाल लेना है। तो गैस तार को निकालने के बाद यहाँ से हमें ये जो हमारी कैफ है गैस इसको यहाँ बड़े आराम से लगा देना है, क्योंकि गैस यहाँ जो लगाना है इसका बहुत कर्रा काम है। तो चलो मैं पहले इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे गैस हमारे जो वायर है ये पड़ चुके हैं। चलो इनके जो गैस यहाँ पे जो ये हमने कैप को निकाला था उसको वापसी इस तरह से कुछ पैक कर देते हैं। ये देखिए गैस हमारी जो कैप थी ये पैक हो चुकी है। अब गैस ये जो हमारे वायर है यहाँ पे हमें सोल्डरिंग कर देना है ताकि जो वायर हमारा निकल ना पाए। तो गैस ये हमारा शोल्डर आयरन और इसको यहाँ से गैस हमें कुछ इस तरह से इसको सोल्डरिंग कर देना है। ये देखिए गैस हमारी जो खुटी थी पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी है, आप देख सकते हो एक बार कैमरे में। तो गैस अब ये जो हमारा सिस्टम है यानी कि हमारा जो गैस बल्ब है ये हिल रहा है, तो इसको गैस हमें फिक्स करने के लिए हमें फिर से भाई पुराने अपने वीगा लिक्विड की यानी कि वीगा फेविक्विक की जरूरत पड़ेगी। तो चलो इसको यहाँ पे खूब अच्छे से गैस ये जो फिक्स कर देते हैं ठीक। तो फाइनली गैस कुछ देर सूखने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारा गैस 100 वाट का बल्ब है वो बनकर तैयार होने वाला है। क्योंकि गैस आप सोचोगे कि भाई मैंने इस फंटी का यूज़ क्यों किया था, मैं इसकी जगह किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकता था। तो गैस इस फंटी का यूज़ करने का ये फायदे हैं कि जो गैस हमारी वायर है यानी कि जो हमारी तार है गैस वो पूरी तरीके से अंदर जो है फिक्स हो जाएंगे और जो बाहर से दिखने में गैस इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गैस आप देख सकते हो ये जो लुक है हमारा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गैस अब बारी आती है हमारे ये जो डिफ्यूज़र है गैस इनको इस तरीके से लगाने के लिए जो गैस हमारा लुक है इसमें और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो फटाफट से गैस ये जो हमारे डिफ्यूज़र इनको लगाते हैं कुछ हम और उसके बाद देखते हैं कि इसका लुक है जो कैसा लगता है। तो ये देखिए गैस काफ़ी देर बनाने के बाद हमारा जो लुक था गैस यानी कि जो हमारा बल्ब था गैस वो बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आप इसका लुक देख सकते हो ये गैस दिखने में जो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गैस अगर आप इसको घर में लगाओगे बिल्कुल जैसा कि हमारा रेडीमेड आता गैस वैसा ही हमारा बल्ब जो है बन के तैयार हो चुका है। तो चलो गैस अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि ये बल्ब जो हमारा कैसा लगता है जलने के बाद।
आपने देखा ये जो हमारा बल्ब था कैसे कितना ज्यादा प्यारा था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।